नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणब चौधरी, सिविल पार्षद। सभी को स्वागत है फ्रेंड। आज हम लोग नया बिल्डिंग प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को स्टेटस में दिख चुका होगा। तो ये रहा नया बिल्डिंग प्लान, ये फ्रंट एलिवेशन में है और ऑटोकैड में मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये विजिटिंग कार्ड है। आप लोग अगर अपना खुद का घर बनाना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, जिसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे 3D ड्राइंग, कॉलम लेआउट, बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग एस्टिमेशन, बिल्डिंग मेजरमेंट, सारा कुछ। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑटोकैड खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जो है यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में भी सारा कुछ डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन दिया गया है, फ्रंट एलिवेशन शायद आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन एलिवेशन दिए है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर को मैं ऐसा क्यों रखा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे मैं सेक्शन एलिवेशन करते वक्त ऐसा ही रख दिया, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर ये मैं इसको मूव कर लेता हूं, आपको समझने के लिए इजी होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका प्लॉट साइज कितना है। ओके, तो प्लॉट साइज सबसे मतलब जरूरी होता है कि आप कितना प्लॉट साइज का बना रहे हैं घर, उसी हिसाब से आप देखेंगे वीडियो। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पॉलीलाइन में हम लोग ले लेते हैं। तो जो जो मेरे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नया नया टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ऐसे नया नया टॉपिक बनता रहता है, और ऐसे नया नया बिल्डिंग ड्रॉइंग भी आप लोगों को मिलने रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा हो गया। अभी मैं मूव करूंगा, इसका मेजरमेंट निकालूंगा कितना हो आ रहा है। तो कैसे एरिया निकालेंगे, डबल ए एंटर, ओ एंटर, देखिए इसका एरिया आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 861 लगभग आप 900 स्क्वायर फीट पकड़ लीजिए। ओके, 900 स्क्वायर फीट में मेरा ये बिल्डिंग बन जाएगा। तो इसमें हम लोगों को आप लोगों को क्या मिल रहा है, एक ड्रॉइंग रूम, दो बेडरूम, जिसमें एक मास्टर बेडरूम मिल रहा है, एक किचन मिल रहा है, और वॉक एरिया मिल रहा है, मतलब डाइनिंग रूम भी मिल रहा है, डाइनिंग एरिया भी मिल रहा है, मतलब एकदम इजी। मतलब दो रूम आ गया फर्स्ट ओनली ग्राउंड फ्लोर में। अगर फर्स्ट फ्लोर करेंगे तो आपका चार रूम आ जाएगा, किचन भी एक्स्ट्रा आएगा, बैल्कनी भी आएगा, सिट आउट भी आएगा, मतलब सिर्फ ओनली 900 स्क्वायर फीट में आपको इतना कुछ आ रहा है। ओके, तो आप सोच सकते हैं, उसी हिसाब से वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है पहले ही यहाँ पे सीट आउट हम लोग दे चुके हैं। सीट आउट देखिए कितना आ रहा है, सीट आउट लगभग आपका यहाँ पे 10.5 फीट आ रहा है, 10.5 फीट बाई यहाँ पे 6 फीट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूं मैं, और अप्रोक्स 5 फीट 10 इंच, मतलब 6 फीट आ रहा है सीट आउट। तो सीट आउट का एकदम अच्छे से जगह मिल गया, यहाँ पे आकर बाहर में आके आप सीट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंट्रेंस हो गया, इसका मैं 4 फीट लिया हूँ। यहाँ पे मैं उतना डिटेल्स में नहीं दिखाया हूँ, आप अगर डिटेल्स में चाहिए तो मुझे मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो देखिए यहाँ पे 48 का हम लोग डोर दिया है। इसके बाद ड्रॉइंग स्पेस है 10 फीट 5 इंच बाई 10 फीट का। देन यहाँ पे जो डोर दिख रहा है, ये डोर से हम लोग मेन रूम में एंटर करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे डाइनिंग रूम हम लोगों को मिल रहा है, देन यहाँ पे स्टेयर मिल रहा है। ओके, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जो बेडरूम है, बेडरूम 10 फीट बाई 10 फीट का है, यहाँ पे आप चिल्ड्रन बेडरूम भी कर सकते हैं। ओके, देन नाउ यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी है, जिसमें 10 फीट 5 इंच बाई 13 फीट का एक मास्टर बेडरूम है, इसमें इसके साथ अटैच टॉयलेट है, इसमें 5 फीट बाई 5 फीट का अटैच टॉयलेट दिया गया है। देन यहाँ पे किचन है 10 फीट बाई 9 फीट का, उसमें वर्क एरिया दिया गया है, एक वर्क एरिया, यहाँ पे आप लॉन्ड्री वगैरह भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप जो करेंगे। देन यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है, जो कॉमन टॉयलेट है 5 फीट बाई 5 फीट का। ओके फ्रेंड्स, देखिए ग्राउंड फ्लोर इतना तक ही। देन यहाँ पे जो है स्टेयर, यहाँ से हम लोग अप करेंगे, देन यहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग, देन अप, यहाँ पे सेकंड लैंडिंग, देन आप होके फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। और ये जो पोर्शन है डाइनिंग एरिया, तो हम सोच रहे हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर में स्लैब होगा तो स्लैब यहाँ तक ही होगा, ये जो पोर्शन ये ओपन रहेगा, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं रेलिंग टाइप दे देंगे, ऐसा ही होगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और फर्स्ट मतलब टॉप फ्लोर का जो है वहां पे आपका एक रूफ रहेगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से।
आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, और जो लोग ये ड्राइंग अच्छा लग रहा है जिसको, वो मुझे बता सकते हैं, मैं इसके लिए 3D भी बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में क्या देखते हैं, यहाँ पे अप होके देन यहाँ पे हम लोग किचन का कवर कर लेते हैं। किचन का साइज देखिए 10 फीट बाई 9 फीट का है। देन यहाँ पे किचन, ये भी किचन कर दे दिया हूँ, ये चेंज नहीं किया हूँ शायद, ठीक है। ये कितना होगा, ये वर्क एरिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वर्क एरिया लिख देते हैं हम, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने के लिए। ओके, वर्क एरिया, ठीक है। इसका मैं डायमेंशन अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायमेंशन आपको पता चल ही गया होगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायमेंशन। तो वर्क एरिया का डायमेंशन मैं यहाँ तक देता हूँ, ठीक है। 7 फीट है, 7 फीट बाई आपका है 4 फीट, 7 फीट बाई 4 फीट में वर्क एरिया स्पेस यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अटैच टॉयलेट है, सॉरी ये कॉमन टॉयलेट हो गया 5 फीट बाई 5 फीट का। ओके, देन मास्टर बेडरूम सेम एज इट इज ही है, 10 फीट 5 इंच बाई 13 फीट का। यहाँ पे टॉयलेट, अटैच टॉयलेट 5 फीट बाई 5 फीट का। ओके, ड्रॉइंग रूम, ये वाला आप ड्रॉइंग रूम रख रहे, क्योंकि देखिए ड्रॉइंग रूम से आप बेल्कनी आएंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे मैं सेम एज इट इज ड्रॉइंग रूम रखा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बेडरूम रखा हो, ठीक है। आप यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी एक डोर कर सकते हैं आपके हिसाब से, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल डोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आप बेलकनी आ सकते हैं, यहाँ से भी बेलकनी आ सकते हैं, इसीलिए आप वहाँ पे बेडरूम के साथ अटैच डोर कर सकते हैं। ये बेडरूम भी 10 फीट बाई 10 फीट का है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ज्यादा कंजेस्टेड कुछ नहीं है, एकदम 900 स्क्वायर फीट में किया हूँ, तो ज्यादा कंजेस्टेड कुछ नहीं किया हूँ। ओके, तो इसके बाद देखिए हम लोग पहले सेक्शन एलिवेशन में आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रंट एलिवेशन, ठीक है। तो देखिए सेक्शन कहाँ पे कट किया हो हम लोग, वो हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो स्टेयर अप है यहाँ पे कट किया हो। तो देखिए नॉर्मली सेक्शन एलिवेशन हम लोग स्टेयर में ही कट करते हैं, क्योंकि स्टेयर कैसे जा रहा है उसको समझने के लिए हम लोग सेक्शन एलिवेशन करते हैं। ओके, तो देख लीजिए फर्स्ट जो स्टेयर है, फर्स्ट लैंडिंग यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये पोर्शन हम लोग का कट हो रहा है। तो कट होने के बाद हम लोग क्या क्या मिल रहा है वो मैं देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डोर मिल रहा है हम लोगों को, उसके बाद यहाँ पे वॉल मिल रहा है, यहाँ पे एक विंडो कट हो रहा है, यहाँ पे एक वॉल कट हो रहा है, यहाँ पे एक वॉल कट हो रहा है। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं कट हो रहा है, तो ये जो वॉल है इसको कट करके हम लोग ऐसे दिखाया। इसके बाद ये स्टेयर कट हो रहा है, ये पोर्शन कट हो रहा है, बाद बाकी नहीं कट हो रहा है, बाद बाकी हम लोग सामने से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कट, ये पोर्शन हम लोग कट करके फिर अप गए, फिर यहाँ पे एक लैंडिंग होके फिर अप गए। ओके, तो ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन कट हुआ, तो ये पोर्शन हम लोग का कट नहीं हुआ, ये पोर्शन से फिर हम अंदर चले गए, तो वो बाद में सोचते हैं। इसके बाद देखिए ये जो डोर है, ये डोर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये डोर, तो इसीलिए ये डोर हम लोग दिए, और यहाँ पे वॉल है तो वॉल तो कट नहीं हुआ है। इसके बाद ये वॉल कट हुआ है ऐसा दिखाया, और ये यहाँ पे विंडो कट हुआ था और वॉल कट हुआ था तो ऐसे दिखा दिए। और उसके बाद देखिए ये जो पोर्शन है, आप सोच रहे हैं कि ये बाहर है, ये अंदर क्यों घुस गया, क्योंकि देखिए ये पोर्शन हम लोगों का फ्रंट में है, ये पोर्शन कट हो रहा है, ये पोर्शन कट हो रहा है, तो ये मुझे अंदर ही जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे, मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो देखिए फिर यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर में आ गए। यहाँ पे ये डोर कॉमन डोर है, ये कौन सा डोर था, ये यहाँ पे हम लोगों का एक डोर था किचन में जाने के लिए। ओके, देन यहाँ पे जो है ये भी सेम एज इट इज है। फिर हम लोग रूफ में आ गए, और ये जो पोर्शन है ये स्टेयर रूफ है, इसके ऊपर एक टैंकी दिया गया है, वाटर टैंक दिया गया है। ओके, बस इतना ही और कुछ नहीं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों का फ्रंट एलिवेशन आ जाता है। फ्रंट एलिवेशन क्या है, फ्रंट एलिवेशन देखिए ग्राउंड फ्लोर में क्या है, एक सीट आउट दिया गया है और बेडरूम दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम लोग एक बाहर के लिए सीट आउट किया है, दो अंदर क्या है, दो एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है, एक विंडो है, तो यहाँ पे नॉर्मली एक डोर दिखा दिया, एक विंडो दिखा दिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए वो नीचे वाला डोर है 48 इंच, इसलिए बड़ा डोर, या ऊपर वाला है बेलकनी का डोर, इसलिए छोटा डोर दिया गया है और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो विंडो दिया गया, विंडो थोड़ा डिजाइन कर दिया है, बस इतना ही। यहाँ पे एक मेन चीज है, गैरेज हम लोग नहीं दे रहे, क्योंकि 900 स्क्वायर फीट में गैरेज क्या कैसे आएगा। ओके, तो ये बाहर गैरेज कर सकते हैं आप अलग से, ठीक है। देखिए और ऊपर में जो है ये स्टेयर रूफ है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर टैंक है, ये रेलिंग दिया गया है, डिजाइन देखिए। और फ्रंट एलिवेशन में जस्ट डिजाइन देखना है और कुछ समझने के लिए कुछ नहीं है, बस
ऐसे ही। और एक चीज देखिए, ये मैं कलर करके दिखाया था और ये आप ब्लैक में देख रहे थे, तो अगर आप मुझे बोलिएगा कि ब्लैक कैसे होगा, पूरा स्क्रीन हम लोग ब्लैक में देखना चाह रहे, अच्छे लग रहे थे, ठीक है, तो वो भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्प्ले आएगा, ठीक है, ये जो डिस्प्ले खुला हुआ है, तो मैं यहाँ पे कलर में चूज करूंगा। कलर में जाके यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलर आ रहा है, ये देखिए कलर में जाके इतना सारा आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, तो मैं ब्लैक कर दिया था उस टाइम, ठीक है, तो ब्लैक होने से बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई एंड क्लोज करेंगे, देन अप्लाई करेंगे, ओके, देन ओके करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड ब्लैक आ गया, तो देखिए अभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी हिसाब से मैं ये कर रहा था, ठीक है। और ये देखिए ब्लू में ये उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको चेंज किया था। और एक जो चीज है आप लोगों के लिए, नया जो नेक्स्ट जो बिल्डिंग आएगा वो थोड़ा हटके होगा, वो थोड़ा समझने के लिए उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि वो क्या है, वो फ्लैट टाइप बिल्डिंग है, उसको मैं कॉन्सेप्ट रेडी किया हूँ, ये देख सकते हैं आप, हाँ, इसको मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा कैसे कर रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए, इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।